दोस्तों भारतीय टीम को राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले बहुत ही बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि टीम के स्टार प्लेयर केएल राहुल अब टीम से बाहर हो चुके हैं और एक नए प्लेयर की किस्मत अब चमक चुकी है। तो आइए जानते हैं कि वो नया प्लेयर आखिर कौन है। बता दूं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मुकाबले को यहां पर 15 फरवरी से खेला जाने वाला है और भारत का ये टेस्ट मैच राजकोट में होगा, जहां पर आपको बता दूं केएल राहुल अनफिट होने की वजह से तीसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर देवदत्त पड़िक्कल की यहां पर किस्मत चमक गई है, क्योंकि राहुल के कर्नाटक टीम के साथ ही देवदत्त पड़िक्कल को रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। सोमवार को ही बीसीसीआई ने जानकारी दी कि देवदत्त पड़िक्कल 2021 में भारत के लिए दो T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और उनके बल्ले से कुछ रन यहां पर बनाए भी गए थे और इसी वजह से यहां पर टेस्ट मैच में उन्हें यहां पर मौका दिया जाने वाला है। केएल राहुल जो है यहां पर अपनी इंजरी के कारण विशाखापट्टनम में दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे और अब तीसरा मैच भी वो यहां पर पूरी तरीके से स्विच करने वाले हैं। बीसीसीआई ने बताया कि केएल राहुल बुरी तरीके से यहां पर अनफिट है। केएल राहुल ने जो है 90% जो है मैच फिटनेस हासिल कर ली थी, लेकिन अपनी सर्जरी की वजह से अभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। और जो देवदत्त पड़िक्कल है, उनका यहां पर क्रिकेट के अंदर जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, उनकी परफॉर्मेंस भी कई बार हमें देखने को मिली है। इसी वजह से यहां पर आपको बता दूं, केएल राहुल ने हैदराबाद में जो मैच खेला था उसमें पहले टेस्ट के दौरान उनके कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था और इसी वजह से उन्हें तुरंत ही यहां पर जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। बता दूं केएल राहुल के अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा भी अपनी हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से विशाखापट्टनम के मैदान पर नहीं उतरे थे और हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि तीसरा टेस्ट मुकाबला वो खेल पाएंगे या नहीं। इसी वजह से टीम में सरफराज खान की एंट्री हो चुकी है। तो अब देख लीजिए कि भारत की प्लेइंग 11 थर्ड टेस्ट मुकाबले में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा जो कि कप्तान है और उनका साथ देंगे यशस्वी जायसवाल। तीसरे नंबर पर शुभमन गिल है और चौथे नंबर पर सरफराज खान की एंट्री हो गई है। पांचवा नंबर रजत पाटीदार को दिया गया है और इसी के बाद में केएल राहुल ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे। केएस भरत यहां पर विकेट कीपर है और इसी के साथ में एक नया विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के तौर पर भारतीय टीम में यहां पर जोड़ा गया है। बॉलिंग की बात करें तो अक्षर पटेल है, अश्विन है, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर भी है। इसके अलावा दोस्तों जसप्रीत बुमराह जो है अभी यहां पर उपकप्तान के तौर पर है और साथ में मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार है, आकाशदीप है और देवदत्त पड़िक्कल है। तो दोस्तों ये है टॉप 15 की भारत की पूरी टीम और इसके अंदर से देखना ये रहेगा कि प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा किसे शामिल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको देवदत्त पड़िक्कल की कुछ शानदार परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के दौरान देवदत्त पड़िक्कल ने 151 रन बनाए थे और यहाँ पर जो इंडिया के चीफ सेलेक्टर है अजीत अगरकर, उन्होंने खुद ने स्टैंड में बैठ कर देवदत्त पड़िक्कल की पारी को देखा था। बता दूं होम ग्राउंड के अंदर देवदत्त पड़िक्कल का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। रणजी ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ उन्होंने 193 रन बनाए थे और गोवा के खिलाफ 103 रन बनाए। रणजी के अलावा देवदत्त पड़िक्कल ने भारत की ए टीम के लिए इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ दो अनऑफिशियल टेस्ट में तीन पारियां खेली, जहां पर उन्होंने 105 रन, 65 रन और 21 रन बताए। अपना करियर उन्होंने हमेशा ही बतौर सलामी बल्लेबाज के बाद में शुरू किया था और देवदत्त पड़िक्कल अब जो है धीरे धीरे टॉप ऑर्डर में फिट बैठ गए थे। बता दूं कर्नाटक की टीम से खेलते समय वो नंबर 3 पर आते हैं और कभी कभी नंबर 4 पर भी आते हैं। आईपीएल 2024 से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड कर दिया है। पहली बार स्टेट स्क्वाड में शामिल किए गए देवदत्त पड़िक्कल भारत के लिए दो इंटरनेशनल गेम्स भी खेल चुके हैं और इसी वजह से अब इंग्लैंड के खिलाफ जो तीसरा टेस्ट मुकाबला होने वाला है उसके अंदर भी देवदत्त पड़िक्कल को एक चांस जरूर दिया जाने वाला है।